बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी स्टैक। व्हाट इज़ स्टैक, स्टैक क्या होता है, स्टैक के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं और स्टैक को हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसकी थ्रेटिकली इसको जो है ना वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसकी कोडिंग वगैरह भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच आइटम्स आर एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम वन एट। बिकॉज स्टैक को हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है ना वो एक ही एंड से जो है ना वो आप एक्सेसिबल कर सकते हैं। मीन कि अगर आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है या आपने रिमूव करना है तो उसको आप एक ही एंड से जो है ना वो कर सकते हैं। दिस एंड इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक, और उस एंड को जो है ना हम क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। When a new item is inserted into stack, it is placed on top of all the previously added item. बिकॉज जैसे हम कोई नया आइटम जो है ना वो स्टैक के अंदर इंसर्ट करते हैं तो वो तमाम पिछले वाले आइटम्स के ऊपर जो है ना वो प्लेस हो जाता है। The item in the stack are stored and retrieved in last in first out LIFO manners. बिकॉज अगर आपने किसी स्टैक के अंदर जो स्टोर्ड आइटम्स में से किसी को रिट्राइव करना है तो उसके अंदर आपने जो लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर वर्ड जो है ना वो मेंशन करेंगे, यानी कि आप सबसे पहले उस आइटम को रिट्राइव करेंगे जो सबसे एंड पे जो है ना वो आपने इंसर्ट किया हुआ है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में इन हुआ है उसको सबसे पहले जो है ना आप आउट करेंगे। दिस द आइटम इंसर्टेड इन लास्ट इज रिट्राइव्ड फर्स्ट। बिकॉज ये डायग्राम में अगर देखें तो ये तमाम जो है ना हमारे पास कुछ स्ट्राइक्स की स्टैक की जो है ना वो एग्जांपल्स हैं। जैसे ये कुछ कपड़े के सूट्स वगैरह हैं, शर्ट्स वगैरह हैं, तो इनको हमने देखें एक स्टैक की सूरत में जो है ना वो इंसर्ट किया हुआ है या मैनर किया हुआ है। इसी तरह ये बॉक्सेस हैं, ये एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स पड़ा हुआ है, तो अगर आपने जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स जो है ना वो जो रखा हुआ है उसको अगर आपने उठाना होगा तो सबसे ऊपर वाले को उठाएंगे। इसी तरह आपने को पाइनीज वगैरह, सिक्के वगैरह जो इनको आपने इंसर्ट किया हुआ है, कुछ ट्रेज या बर्तन के उसको आपने इंसर्ट किया हुआ है या एक तरतीब में रखा हुआ है, तो ये तमाम एग्जांपल जो है ना आपकी स्टैक की हैं। इसमें ये होता है कि जो आपने स्टैक के ऊपर आइटम जो है ना लास्ट में रखा होता है उसको आपने सबसे पहले जो है ना वो सर्व करते हैं। स्टैक इन रियल लाइफ स्टॉक ऑफ बुक्स, स्टॉक ऑफ प्लेट्स, एड न्यू आइटम एट द टॉप, रिमूव एन आइटम एट द टॉप। जैसे आप कोई आइटम नया इंसर्ट करते हैं तो वो भी आप टॉप पे करते हैं, और जब आप कोई आइटम उसमें से रिमूव करेंगे तो वो भी टॉप में से जो है ना उसको क्या करेंगे, आप रिमूव करेंगे। स्टैक डाटा स्ट्रक्चर सिमिलर टू रियल लाइफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड इन ए लीनियर ऑर्डर्स कैन ओनली एक्सेस एलिमेंट एट द टॉप। बिकॉज देखें ये दो स्टैक की एग्जाम्पल हैं, एक के ऊपर आपने जो है ना साइड पर राइट साइड पर देखें प्लेट्स वगैरह रखी हुई हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट जो है ना वो रखी हुई है। अगर आपने इन प्लेटों में से किसी प्लेट को अगर आपने सर्व करना है तो आप सबसे ऊपर वाली प्लेट को उठाएंगे क्योंकि ये लास्ट आपने इंसर्ट की हुई है। इसी तरह आपने ये बुक्स के ऊपर बुक्स रखी हुई है, अगर आपने कोई बुक्स उठानी है तो आप ये वाली जो है ना वो बुक्स जो है ना सबसे पहले उठाएंगे क्योंकि ये वाली बुक जो है ना आपने लास्ट में जो है ना वो आपने इसके ऊपर इंसर्ट की हुई है। उसके बाद व्यूअर्स, जैसे आपके यहाँ पे यानी कि देखें अगर आपने प्लेट ये वाली पहले सर्व करेंगे क्योंकि ये लास्ट में आपने इंसर्ट की हुई है, तो पुश एक्स इंसर्ट एक्स एज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। जो भी आपने एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसको क्या करेंगे, आप पुश कर देंगे, यानी कि आपने पुश एक्स किया तो उसका मतलब है इंसर्ट एक्स एज द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, तो आप क्या करेंगे एक्स को टॉप के ऊपर जो है ना वो इंसर्ट कर देंगे। इस तरह अगर आपने कोई आइटम वहां से रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉप का जो है ना ऑपरेशन यूज करते हैं। तो दो ऑपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं स्टैक के अंदर, एक पुश का और एक पॉप का। अगर आपने कोई एलिमेंट स्टैक के ऊपर इंसर्ट करना है तो उसके लिए पुश का आइटम आएगा, और अगर आपने कोई एलिमेंट स्टैक में से रिमूव करना है तो उसके लिए आप पॉप का आइटम ऑपरेशन जो है ना वो फंक्शन जो है ना वो कॉल करेंगे। रिमूव द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, रिटर्न इट। जैसे ही आप पॉप का फंक्शन जो है ना वो कॉल करेंगे तो जो टॉप के ऊपर जो आइटम होगा वो क्या कर देगा, उसको रिमूव कर देगा। अगर आप कोई पुश एलिमेंट उसके साथ करेंगे तो वो उस आइटम को इंसर्ट कर देगा आपके स्टैक के टॉप के ऊपर।
और टॉप का करेगा, टॉप रिटर्न द एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द स्टैक, और स्टैक जो पॉइंटर जो है ना वो आपको आपका करंट एलिमेंट के ऊपर आपको क्या करता जाएगा, वो रिटर्न करता जाएगा। अगर इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो व्यूअर्स देखें, जैसे हमारे पास ये एक स्टैक है, तो व्यूअर्स स्टैक के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आपने इंसर्ट करनी है तो वो वन साइड ऊपर से यानी कि एक साइड से करेंगे, और अगर आपने कोई इसमें से एलिमेंट रिमूव करना है तो उसको भी आप वन एंड से करेंगे। जैसे जैसे ये कि हमारे पास एक बॉक्स है, तो इसको देखें कि इसका ऊपर वाला जो समझ लें मुंह है ना वो खुला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई आइटम इसके अंदर इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से इसको इंसर्ट जो है ना वो करवा सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, पुश सेवन, सेवन को क्या कर दो, पुश कर दो, तो सेवन जो एलिमेंट हमारा पहला एलिमेंट यहाँ पे पुश हो जाएगा, और टॉप का जो आपका पॉइंटर है वो इसको इंडिकेट कर देगा, और टॉप का पॉइंटर आपका पहले एलिमेंट के ऊपर जो है ना वो मूव कर जाएगा। उसके बाद आपने क्या दिया जी, पुश फाइव, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइव एलिमेंट जो है ना वो इंसर्ट हो जाएगा, और फाइव एलिमेंट जो है ना सेवन एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा, और आपका टॉप आइटम जो है ना वो सेवन से इंक्रीमेंट करके आपका फाइव के ऊपर इंडिकेट कर रहा होगा। यानी कि आपका इस वक्त टॉप का जो है ना वो इंडिकेशन है ना वो किसको पॉइंट कर रहा है, आपको फाइव को कर रहा है। मीन कि अगर आपने यहाँ से कोई आइटम निकालना है तो सबसे कौन सा आइटम निकलेगा, वो फाइव निकलेगा। इसी तरह अगर आपने कोई आइटम इसके अंदर इंसर्ट करना है तो वो आइटम जो है ना फाइव के ऊपर आएगा, और आपका पॉइंटर जो है ना वन का इंक्रीमेंट करके ऊपर चला जाएगा। इसके बाद आपने क्या दिया जी, पुश नाइन कर दिया, तो यहाँ से आपका नाइन आइटम जो है ना वो फाइव के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, और टॉप आपका फाइव से इंक्रीमेंट करके आपका नाइन पे मूव कर जाएगा। इस तरह आपने क्या दिया जी, पुश टू कर दें, तो आपका टू एलिमेंट जो है ना वो पुश हो जाएगा, और पुश करते हुए आपका जो टू एलिमेंट है वो नाइन के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा, और आपका टॉप पॉइंटर जो है ना वो नाइन से मूव करके टू पे चला जाएगा। और इसी तरह व्यूअर्स, अगर आपने कोई आइटम जो है ना वहाँ से रिमूव करने हैं तो उसके लिए आपको पॉप का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जैसे आपने कह दिया जी पॉप का फंक्शन कॉल करें, तो इसके नतीजे में कौन सा आइटम रिमूव हो जाएगा, आपका टू का आइटम जो है ना वो रिमूव हो जाएगा, और आपका पॉइंटर कहाँ पर वेरी कर रहा है, टू पे, तो ये आइटम जो है ना आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और आपका स्टैक का जो है ना वो उसके अंदर जो आइटम रह जाएंगे वो सेवन फाइव और नाइन रह जाएंगे। उसके बाद आप दोबारा अगर पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं तो आपका जो आइटम रिमूव होगा वो कौन सा होगा, वो नाइन होगा। क्यों, आपका पॉइंटर जो है ना टॉप का पॉइंटर वो कहाँ पे वेरी कर रहा है, वो नाइन को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ से आपका नाइन जो है ना रिमूव हो जाएगा, और बाकी आपके आइटम रह जाएंगे फाइव एंड सेवन जो है ना रह जाएंगे। इसके बाद आपने दोबारा पॉप का फंक्शन कॉल किया, तो उसकी सूरत में आपका जो है ना आइटम जो है ना वो रिमूव होगा आपका फाइव, और यहाँ से आपका जब फाइव आइटम रिमूव होगा तो अब जो टॉप का जो आइटम है डिक्रीमेंट करके यहाँ पे सेवन पे आ जाएगा, और आपके स्टैक के अंदर स्टैम एक ही एलिमेंट रह जाएगा जो आपका सेवन है। उसके बाद अगर आपने इसको पॉप का फंक्शन दोबारा कॉल करते हैं तो यहाँ से आपका जो है ना वो सेवन जो है ना क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और आपका टॉप जो है ना डिक्रीमेंट करके माइनस में चल जाएगा, और आपका स्टैक जो है ना वैसे ही खाली का खाली रह जाएगा। तो व्यूअर्स, ये था तरीकाकार कि अगर आपने एक स्टैक के अंदर कुछ एलिमेंट जो है ना वो इंसर्ट करने हैं तो उसके लिए आप पुश करेंगे, अगर आपने कोई एलिमेंट उसमें से रिमूव करने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, तो आने वाले लेक्चर में आपको मैं इसकी C++ के अंदर कोडिंग भी करके दिखाऊंगा, और उसका आपको एल्गोरिदम भी सिखाऊंगा कि कैसे आप इसके अंदर पुश करेंगे और कैसे आप उनके एलिमेंट को आप इसको पॉप करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़। बस